हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेई मेंस 2018 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हे देयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। हमारा क्वेश्चन है, अ वेल्डेड ब्रैकेट कनेक्शन इज शोन इन फिगर। इट सपोर्ट्स अ फैक्टर लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 mm फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। डिजाइन द फ्लेट वेल्ड ऑफ टू सेट, ग्रिड ऑफ स्टील दी हुई है। तो चलिए इसे हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ हमारा फैक्टर लोड दिया हुआ हमारा 150 किलो न्यूटन। इसे हम न्यूटन में लिख सकते हैं, पी यू इज इक्वल टू 150 इंटू 10^3 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पर ई की वैल्यू दी हुई हमारी क्या, 120 mm। ग्रेड ऑफ स्टील क्वेश्चन में दिया हुआ हमारा एफ ई 410 ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील दी हुई है एफ ई 410। तो हमारा एफ यू का वैल्यू हो गया 410 मेगापास्कल। ठीक है, अब हमें डिज़ाइन करना है, तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे क्यू का। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया ऑफ वेल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं एरिया ऑफ वेल्ड कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि लोड तो हमें पता है 150 × 10^3 न्यूटन। तो यहाँ पे हम वेल्ड को समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम एरिया ऑफ वेल्ड फाइंड करेंगे। दोनों फेस पे हमें फाइंड करनी है, ठीक है, डिज़ाइन करना है। हमारा हो गया डी। ठीक है, थ्रोट थिकनेस कैसे फाइंड करते हैं, थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू के डॉट एस, है ना। तो के हमारा क्या हो गया, फ्यूजन एंगल 60 to 90 degrees के लिए हम बता के की वैल्यू 0.7। एस की वैल्यू हमारी कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। एस की दो वैल्यू होती है, एक मिनिमम होती है, एक मैक्सिमम होती है। तो मिनिमम वैल्यू हम 5 mm लेते हैं, इसके लिए फोर थिकर प्लेट अगर 11 से 20 mm के बीच में हो तो। ठीक है, तो हमारी थिकनेस ऑफ प्लेट क्या है, 12 mm है। ठीक है, अब बोलते हैं क्या मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे लेते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5। ठीक है, तो हमारा हो गया 10.5। तो हम अज्यूम कर लेते हैं क्या, एस की वैल्यू 10 mm। तो हमारे थ्रोट थिकनेस हो गया 0.7 × 10, तो हो गई 7। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 × थ्रोट थिकनेस × d, तो 2 × हो गया 7 × d, यानी 14 d हमारी एरिया फाइंड हो गई। तो अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, लोड हमारा 150 × 10^3 हो गया अपॉन 14 d। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 104.28 अपॉन d ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एम अपॉन आई इंटू वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पर एम आई और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एम हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर लोड इंटू कितने डिस्टेंस पे थी, 120 mm पे। तो हो जाएगा 150 × 10^3 इंटू 120 mm। तो हमारा आ जाएगा 18 × 10^6 न्यूटन mm। ठीक है, अब फाइंड करते हैं वाई की वैल्यू। ठीक है, वाई हो जाएगा यहाँ पे 100 mm हो गई। ठीक है, तो हमारी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा थ्रोट थिकनेस हो गया, तो y इज इक्वल टू डी बाई टू, है ना, y इज इक्वल टू डी बाई टू। अब i फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो i इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी क्यू अपन 12 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, b हमारा क्या हो गया, थ्रोट थिकनेस, है ना, तो हो गया यहाँ पे 7 × d³/6। ठीक है, तो आई हमारा आ गया 7 d³/6। अब इस सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो 18 × 10^6 अपॉन 7 d³/6
इंटू डी बाई टू, तो हमारी आ जाएगी वैल्यू सिग्मा की, सिग्मा इज इक्वल टू 77142857 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। फोर, सेफली कैरिंग द लोड लोड क्या होना चाहिए, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर प्लस 3Q² से एफ यू अपन 3 × γ mw, γ mw यहाँ पर 1.25 हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, शॉप वेल्ड के लिए। तो हो जाएगा यहाँ पे सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, डी स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 3 × क्यू एन की वैल्यू हमारी क्या थी 107 14.28 अपॉन डी होल स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा इधर हमारा 410√3 × 1.25, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है रूट ओवर 5.95 × 10⁻³⁷ डी फोर प्लस आ जाएगा यहाँ पे 3 4 4 387 387.8 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा हमारा 189.37, रिसेट कर देते हैं रूट हटा करके, तो हो गया 5.95 × 10⁻³⁷ प्लस 3 4 4 387 387.8 डी स्क्वायर स्क्वायर 358609 D4, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 408162 डी, तो हमारे यहाँ से डी की वैल्यू 214.046, ठीक है, हमने डिज़ाइन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये डायग्राम दी हुई है, हमें क्या करना है, SFD और BMD ड्रा करना है, तो चलिए इसे हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स को इक्वेट करते हैं, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6 + 3 6 और ये हो जाएगा 24 8, तो हमारे RA प्लस RB हो गई 23 kN, ठीक है। अब मोमेंट अबाउट A ज़ीरो करते हैं, तो हो जाएगा हमारा RB × 10, ठीक है, माइनस 3 × 2 × 11 माइनस 3 × 6 माइनस 6 × 4 माइनस 2 × 4 × 2, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो RB × 10 इज इक्वल टू 124, तो RB इज इक्वल टू आ गया हमारी 124/10 इज इक्वल टू 12.4 kN, ठीक है। अब इस दोनों वैल्यू से हम क्या करते हैं, RA की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो RA की वैल्यू हमारी हो जाएगी 23 माइनस 12.4, तो हो गई हमारी RA की वैल्यू 10.6 kN, 10.6 kN, ठीक है। अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, RA और RB की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, अब इससे हम शेयर फोर्स का कैलकुलेशन करते हैं। शेयर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन की बात कर ले, तो इसके लिए साइन जो होगा हमने अपवर्ड के लिए क्या किया है नेगेटिव, और डाउनवर्ड के लिए हमने क्या किया है पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम शेयर फोर्स एट सी, तो यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है। अब इस ज़ीरो को हम लेकर चलेंगे शेयर फोर्स एट बी, ठीक है, तो ज़ीरो प्लस 3 × 2
माइनस हमारे क्या हो जाएगा 12.4 आर भी है ना, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 6 - 6.4 किलो न्यूटन। अब हम फाइंड करते हैं शेयर फोर्स एट ई, तो यहाँ पर -6.4 आया, -6.4 प्लस हमारी आ जाएगी यहाँ पे 3, तो आती है -3.4 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शेयर फोर्स एट डी, तो आ गया -3.4 यहाँ पे आया, -3.4 प्लस 2.6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब शेयर फोर्स एट ए हमारा 2.6 हो गया, और डाउनवर्ड में हमारे क्या आता है 2 × 4 है, 2 × 4 तो 8 हो गया, तो हमारी हो गया 10.6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट की डिस्कस करें, बेंडिंग मोमेंट के बारे में, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कैलकुलेशन इसमें भी हम साइन कन्वेंशन की बात कर लें पहले। तो सैगिंग के लिए हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और हॉगिंग के लिए हमें नेगेटिव लेनी है। सैगिंग के लिए पॉजिटिव और हॉगिंग के लिए नेगेटिव। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले मोमेंट एस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो माइनस एम बी इज इक्वल टू 1/2 × 2 × 6, तो हमारी एम बी की वैल्यू आ गई मोमेंट एट बी -6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, -6 मोमेंट एट ई माइनस इज इक्वल टू -6.4 × 4, तो हमारा मोमेंट एट ई आ गया 19.6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम डी पे मोमेंट निकालते हैं, डी पे आ जाएगा 19.6 माइनस मोमेंट एट डी इज इक्वल टू -3.4 × 2। ठीक है, तो हमारा आता है 26.4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसी तरह मोमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, हमारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम ड्रॉ करते हैं SFD और BMD। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा था 10.6। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया 2.6 है ना, अब यहाँ पे हो गया हमारे 3.4। ठीक, यहाँ वैल्यू हो गई हमारी, यहाँ पे हो गई 6.4। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी हो गई 6 किलो न्यूटन है ना, 6 किलो न्यूटन। अब सारी लाइन को मिलवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, और ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे होगी क्या 26.4। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारी 19.6, यहाँ हो गया हमारा 6। ठीक है, ये हमारे हो गए सेकंड डिग्री कर्व हो गया। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन में जाएगी, ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, और यहाँ से हमारा फिर पैराबोला बनेगा, यानी सेकंड डिग्री बनेगा। ठीक है, सेकंड डिग्री, सेकेंड डिग्री यहाँ पे फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री डोनेशन है, सेकेंड डिग्री किसका, पैराबोले का, और फर्स्ट स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो ये हमारा SFD और BMD कंप्लीट हो गया।